एक ह्यूमन ईयर डॉग ईयर के जैसा नहीं होता है। आपको लगता होगा कि कुत्तों की उम्र हमसे 7 गुना तेजी से बढ़ती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक कुत्ता जो लगभग 1 साल का है, असल में वो पहले ही 31 साल का हो गया है। पॉसिबल है उसके छोटे छोटे पपीज होंगे जो इधर उधर खेल रहे हो, लेकिन यहीं पर बात ट्रिकी हो जाती है। 2 ह्यूमन ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपका कुत्ता 62 साल का है। आपके बड़ी को बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले ह्यूमन ईयर्स में उसकी उम्र लगभग 4 साल होनी चाहिए। इस तरह से 4 साल का कुत्ता हमारे 50 साल का होगा, लेकिन 7 साल का कुत्ता हमारे 62 साल का होगा, और फिर 8 साल का कुत्ता बस 64 साल का होगा। इसलिए वो तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है उनकी उम्र बढ़ना धीमी हो जाती है। अगली बार जब आप अपने बेस्ट बडी का बर्थडे मना रहे हो तो केक पर ढेर सारी मोमबत्तियां रखना ना भूलें, और हर बार से ज्यादा तोहफे खरीदें। एक गलत धारणा है कि कुत्ते कलर ब्लाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन वो रंगों को बिल्कुल वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। उन्हें लाल और हरे रंग में अंतर करने में परेशानी होती है। ये सब उन्हें ग्रे, ब्राउन, ब्लू और यहाँ तक कि येलो टोन के मैश जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों में रंगों को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी 3 फोटोरिसेप्टर्स में से एक नहीं होता है। आप किसी बड़े कुत्ते को नई ट्रिक्स नहीं सिखा सकते। गलत, उनकी ओल्ड एज के कारण उन्हें आपकी तरफ से थोड़ा ज्यादा कोशिश किए जाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इसके पीछे जरूरी बात यह है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें। अगर आप देखें कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें आराम करने दें और थोड़ी देर बाद आप ट्रेनिंग सेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस काम के लिए उन्हें रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। मैक्स के सक्सेसफुली बोलने के बाद उसे उसका मनपसंद बिस्किट दें। फिर जब भी आप इसे ऐसा करने के लिए कहेंगे ये आपकी कमांड मानेगा। उस कुत्ते ने जूते पहने, देखने में लग सकता है कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन आज बाहर मौसम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी में नंगे पैर डामर पर चलने के बारे में सोचें, आपको ऐसा लगेगा कि आप लावा पर चल रहे हैं, और ऐसा ही आपके पपी को लगेगा। कुछ कुत्ते अलग अलग मौसम को संभालने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं, लेकिन डॉग शूज आपके छोटे से साथी को उसके पंजों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। सर्दियों में भी ऐसा ही होता है, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो आप बिना जैकेट पहने घूम नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखें कि आपका बॉडी भी गर्म रहे। बहुत सारे फर वाले कुत्तों को हल्का महसूस करने के लिए अपने बाल कटवाने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक अंडरकोट होता है। सर्दियों में ये और भी थिक हो जाता है, जो आपके कुत्ते को ठंड से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर देता है। फिर पतझड़ में आपका कुत्ता अपने कुछ फर छोड़ देगा, ये वही अंडरकोट है जो आपके कुत्ते को गर्म दिनों में आराम से रखेगा। जब आप किसी कुत्ते का फर शेव करते हैं तो आने वाला नया फर घुंघराला और उलझा हुआ हो सकता है, ये जैसा हो उसे वैसा ही छोड़ देना बेहतर होता है। आप उन्हें ठंडा रखने के लिए हमेशा अलग अलग तरीके भी ढूंढ सकते हैं। जब वो बाहर हो तो उन्हें छाया में रखें, और हमेशा अपने साथ ठंडे पानी की एक बॉटल लाएं, ताकि आपका कुत्ता हमेशा फ्रेश रहे। घर पर आप उनके लेटने के लिए नम तौलिया रख सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है तो आप उसके स्प्रिंकलर भी चालू कर सकते हैं और मैक्स को खुलकर दौड़ने दे सकते हैं। वो एक्सरसाइज करेगा और उसे बहुत मजा आएगा। सभी कुत्ते बहुत अच्छे तैराक नहीं होते हैं, लेकिन सभी कुत्तों को तैरना पसंद होता है। अगर आपका कुत्ता अच्छे से तैर नहीं सकता है तो ऐसा उसके भारी चेस्ट और उसके बड़े सिर के कारण हो सकता है। हो सकता है कि वो फ्लोट भी ना कर पाए। उसके लिए कुत्तों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया स्विमिंग वेस्ट लें। कुछ लोग कह सकते हैं कि कार में कुत्ते को रखने के लिए खिड़की का थोड़ा खुला होना ही काफी है। ये सच नहीं है, क्योंकि गर्म और ठंडी कार में बस कुछ मिनट बिताने के बाद ही इसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ स्टेट्स में अगर आप किसी कुत्ते को कार में बंद देखते हैं तो आप कुत्ते को कार से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे वो सांस ले सके। अगर आपका कुत्ता मेल कैरियर्स को पसंद नहीं करता है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो भौंकते हैं क्योंकि वो अपने पैक लीडर जो कि आप हैं को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बदमाश मेल कैरियर आ रहा है। आप उन्हें एक दूसरे से मिलवाकर इसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह आपका कुत्ता उन्हें एक दोस्त की तरह पहचान लेगा, ना कि एक विलन जैसे। आपका कुत्ता अगर जम्भाई ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे नींद आ रही है। जम्भाई लेना उनके लिए चिंता दिखाने का एक तरीका है। अगर उसे बिल्लियां पसंद नहीं है और उसके आसपास कोई बिल्ली है तो वो जम्भाई ले सकता है, या हो सकता है कि घर में कोई नया इंसान हो और मैक्स उनकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस ना कर रहा हो। या आप अपने कुत्ते को एक प्ले डेट के लिए ले जाते हैं लेकिन वो घुलते मिलते नहीं है। मैक्स जमाई लेता रहता है क्योंकि वो परेशान हो रहा है। जमाई लेना भी आपको ये दिखाने का एक तरीका है कि उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के जाने का टाइम हो गया हो।
कुत्ते बीमार होने पर घास खाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करते। आप अपने दोस्त से बहुत ज्यादा देर से बात कर रहे हैं और अपने कुत्ते को घास खाते हुए देखते हैं, तो शायद इसका मतलब ये है कि वह बोर हो गया है। वो अपना विरोध दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं, या सिर्फ इसलिए कि ये मजेदार है। अगर घास ट्रीटेड नहीं है तो कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ भी हो, बस ये ध्यान रखें कि वो इसे ज्यादा ना खाएं, वरना तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास जाएं। यहां तक कि थोड़ी सी चॉकलेट भी उसके लिए जहरीली हो सकती है, और इसे हर समय छिपाकर रखना चाहिए। इसमें कोको पाउडर और बेकर्स चॉकलेट शामिल है। ये बिल्लियों पर भी लागू होता है। अगर आपको शक है कि आपके पालतू जानवर ने बड़ी मात्रा में चॉकलेट खा लिया, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अच्छी तरह से ट्रेंड कुत्ते वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए और कमांड्स मानेंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वो आपको कभी नहीं काटेंगे। ये इमोशंस की वजह से भी एक्ट कर सकता है। सोचिए कि आपका डॉग डर गया है, आपने उसे बहुत सारे नए लोगों के साथ एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है। ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है और मैक्स अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक नया आदमी उसे पेट करने की कोशिश करता है और उसे सजा मिल सकती है। ज्यादा हार्श नहीं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। शायद उसे ऐसा लगा कि उसे डिफेंसिव होने की जरूरत है, ये सोचना कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको सुरक्षा दे रहे हैं। कुत्ते के काटने का एक और कारण हो सकता है, या अगर उन्हें किसी से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा हो। आपके पास दो कुत्ते हैं और आप अपने घर में जाने वाले हैं। उनमें से एक अपने बिस्तर में आपका इंतजार करता है। वो अपनी पूंछ हिलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करता है। दूसरा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आता है, ये आवाजें निकालता है, कूदता है और आपके चारों ओर दौड़ते हुए अपने पूरे शरीर को हिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा प्यार करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये अभी तक ठीक से ट्रेंड नहीं है। टेल वैगिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका कुत्ता एक्साइटेड है। आप एक कुत्ते की पूंछ को देखकर समझ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर ये अपनी पूंछ को ऊंचा रखता है लेकिन इसे मूव नहीं कर रहा, तो ये अलर्ट है, लेकिन अपनी लीडरशिप का दावा करने की कोशिश भी कर रहा है। अभी भी ऊंची है, अब पूंछ हिल रही है, इसका मतलब है कि फीलिंग्स थोड़ी बदल गई है। ये अलर्ट है लेकिन खुश है। ये अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ का बॉस है, लेकिन कम से कम अब ये एक्साइटेड महसूस कर रहा है। जब उसकी पूंछ पैरों के बीच होती है, तो इसका मतलब आपका डॉग डर रहा है। और अगर पास में एक अल्फा डॉग है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका बड़ी उसकी लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है। पूंछ सीधी बाहर की ओर है, तो इसका मतलब है कि कुत्ता कमरे को महसूस करते हुए नई इन्फॉर्मेशन ले रहा है। हालांकि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा करते टाइम वो न्यूट्रल रहेगा। अगर कुत्ते की पूंछ तेजी से हिल रही है, इसका मतलब एक्साइटमेंट। वो जितनी तेजी से अपनी पूंछ हिलाते हैं उतनी एक्साइटेड होते हैं। धीमे से पूंछ हिलने का मतलब इनसिक्योरिटी है, ऐसा किसी दूसरे कुत्ते या इंसान के कारण हो सकता है। आप सोचिए कि आपका कुत्ता अपने पूरे शरीर को हिला रहा है। अगर आप उसके हिप्स को भी हिलते हुए देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये फ्रेंडली है। ये तब हो सकता है जब आप लिफ्ट में हो और अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से अपने सबसे अच्छे दोस्त को देख लें। उन सभी में सबसे खराब वैगिंग एक बहुत तेज वर्टिकल वैगिंग टेल है। ऐसा करते टाइम आपका कुत्ता दूसरों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि ये आप पर अपनी ताकत दिखाना चाह रहा हो। ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर करना सबसे अच्छा है। अगर आपके कुत्ते की पूंछ राइट की ओर घूम रही है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिलैक्स्ड है, और लेफ्ट की ओर की पूंछ का मतलब वो स्ट्रेस्ड यानी तनाव में है।